हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूँ माइक्रो प्रोसेसर। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक चिप है जो हमारा कंप्यूटिंग और डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ये हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, माइक्रो और प्रोसेसर। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, प्रोसेसर का मतलब होता है समथिंग प्रोसेस। दैट मींस एक माइक्रो प्रोसेसर स्मॉल डिवाइस है जो किसी चीज़ को प्रोसेस करता है। ये हमारा एक सिंगल चिप ऑफ सिलिकॉन के ऊपर बनाया जाता है। जनरली ये डेटा प्रोसेसिंग करता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल माइक्रो प्रोसेसर हमारा मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है, प्रिंटर्स में, वॉशिंग मशीन में, रडार में, सैटेलाइट में। माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल मल्टीपर्पस क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच रीड्स बाइनरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द स्टोरेज एंड प्रोसेस इट, देन गिव द रिजल्ट्स एट एज आउटपुट। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो कंप्यूटर का, जिसमें हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें होता है ALU, कंट्रोल यूनिट और सेट ऑफ रजिस्टर्स। ये इनपुट डिवाइसेस इसमें अलग से लगती हैं, आउटपुट डिवाइसेस अलग से लगती हैं और मेमोरी यूनिट इसमें अलग से माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ती है। फिर आता है अब उसके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो चीज़ होती है, जैसे अभी मैंने बताया ALU। तो ALU क्या करता है, ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दिस इट ALU परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल एंड और XOR। इट कैन कॉम्प्लीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रोटेट लेफ्ट राइट, शिफ्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब फंक्शन हमारे ALU में होते हैं। नाउ कम्स टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर का, जो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स द डेटा फ्लो बिटवीन CPU एंड पेरिफेरल डिवाइसेस इंक्लूडिंग मेमोरी। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड स्टेटस कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ मेमोरी एंड IO डिवाइसेस। मेमोरी और IO डिवाइसेस को उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए टाइमिंग सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल्स की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। नाउ थर्ड पार्ट इज रजिस्टर। बेसिकली रजिस्टर हमारे एक टेम्प्रोरी स्टोरेज के लिए यूज होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। इसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक वो किसी IO डिवाइसेस या मेमोरी में जाके राइट नहीं हो जाता है। इसमें हमारे कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, पहला रजिस्टर है एक्यूमुलेटर, जिसे रजिस्टर ए भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। इसमें हमारे 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, BCDEHL। ये सारे 8 बिट के होते हैं। एक हमारा 16 बिट का होता है स्टैक पॉइंटर, दूसरा होता है 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्पररी रजिस्टर। इसके अलावा इसमें हमारे एक सेट ऑफ 5 फ्लिप फ्लॉप्स भी होते हैं, जिनको हम स्टेटस फ्लैग्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे जब अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उसके दौरान जो कुछ कंडीशंस आती हैं वो आके हमारे फ्लिप फ्लॉप में या फ्लैग में स्टोर हो जाती हैं। नाउ अब एक एक करके इसमें देखते हैं। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर इज एन 8 बिट रजिस्टर जो ALU के साथ जुड़ा रहता है। ये हमारा इसी एक्यूमुलेटर के अंदर सारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। और फाइनल रजिस्टर हमारे
एक्यूमुलेटर में ही सेव रहता है। फिर आता है जनरल पर्पस रजिस्टर, इसमें हमारे 6 रजिस्टर हैं जैसा मैंने बताया, और ये हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। इसके अगर हमें 16-bit की रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको पेयर बना लेते हैं, DE, BC और HL पेयर। फिर आता है प्रोग्राम काउंटर, ये हमारा एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। जैसा ऊपर हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर थे, ये हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जो कि यूज़ होता है एड्रेस को होल्ड करने में, किसका, उस मेमोरी एड्रेस ऑफ द मेमोरी ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है। फिर आया स्टैक पॉइंटर, ये भी हमारा एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है, इसको जनरली मेमोरी पॉइंटर भी कहते हैं। इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द स्टैक, स्टैक में जो टॉप पर जो भी डेटा है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है स्टैक पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होल्ड्स द ऑपरेशन कोड और इंस्ट्रक्शन कोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच इज़ बीइंग डिकोडेड और एग्जीक्यूटेड, जो भी ऑप कोड हमारा ऑपरेशन कोड या इंस्ट्रक्शन कोड एग्जीक्यूट होने वाला है उसको स्टोर करके रखता है। टेम्प्रेरी रजिस्टर एक 8-bit का रजिस्टर है जो ALU के साथ होता है, और ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के समय हेल्प करता है ALU का। फ्लैग्स, फ्लैग में जैसा मैंने बताया 5 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होते हैं, इसमें कौन कौन से 5 फ्लिप फ्लॉप हैं, कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी, ज़ीरो एंड साइन फ्लैग। सो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑपरेशंस ये हमारे जो फ्लैग्स हैं वो यूज़ होते हैं ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस, वट एवर द ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशन है लाइक अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन। नाउ कम टू दी फीचर ऑफ दी माइक्रो प्रोसेसर। फीचर में सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का कॉस्ट बहुत लो होता है, स्पीड इसकी बहुत हाई होती है, साइज इसका कम होता है, वर्सेटाइल मीन्स इसको आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ कम होता है, कॉस्ट कम होता है, तो इसका पावर कंजम्पशन भी कम है, पावर कंजम्पशन कम है तो हीट जनरेशन भी कम होगा, एंड ये हमारा जो रिलायबल भी होता है, मीन्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो फेलियर रेट है सबसे कम है, दैट इज़ इसलिए माइक्रोप्रोसेसर रिलायबल है। इसको पोर्टेबल भी है क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है, पावर कंजम्पशन कम है, तो इसको आप इसको लेके भी कहीं इधर उधर जल्दी आसानी से जा सकते हैं। फिर आता है सिस्टम बस। बेसिकली बस क्या होता है, बस आर द ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स, एक ग्रुप होता है वायर्स का जो हमारी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। फिगर से आप समझ सकते हैं, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ये हमारा मेमोरी है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो जो हमारी बस होती है वो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में, माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट में, और माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट में का कनेक्शन थ्रू बस किया जा सकता है। तो बस हमारे 3 टाइप्स की होती है, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। एड्रेस बस एक यूनिडायरेक्शनल बस होता है जिसमें डेटा एक ही डायरेक्शन में होता है, वो कहाँ से, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डेटा बस हमारी बाई डायरेक्शनल होती है जिसमें दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, लाइक फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और IO टू मेमोरी और IO टू माइक्रो प्रोसेसर। कंट्रोल बस हमारी ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे इसमें कौन कौन सी कंट्रोल बस है, सिग्नल्स होते हैं मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, IO रीड और IO राइट। ये हमारा है पिन डायग्राम ऑफ 8085। इसमें हमारे 40 पिन्स होती हैं फ्रॉम
इधर स्टार्ट होता है 1 से लेके इधर 20 तक, और फिर 20 से लेके 21 से 40। अब हम एक एक करके पिन का डिस्क्रिप्शन देखते हैं आगे। तो एड्रेस बस होती है पिन 21 से 28 तक, जो जैसा कि मैंने बताया एड्रेस बस के बारे में, ये यूनिडायरेक्शनल होती है और वन डायरेक्शन में इसका डेटा ट्रांसफ़र होता है। फिर अगला आता है AD02 AD7। ये हमारी एड्रेस बस और डेटा बस दोनों तरह की काम करती हैं। फिर आता है पिन नंबर 30, दैट इज़ एड्रेस लैच इनेबल ALE। ALE का मतलब हो गया जब ALE 1 होता है तब एड्रेस बस इनेबल होता है, और ALE 0 होता है तब हमारी डेटा बस इनेबल होती है। नेक्स्ट है पिन नंबर 34, दैट इज़ स्टेटस सिग्नल। स्टेटस सिग्नल में IOM IOM इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब हो गया इट वर्क्स फॉर IO डिवाइसेस। अदरवाइज अगर IOM इज इक्वल टू 0 होता है तो इट वर्क्स फॉर मेमोरी। पिन नंबर 29 एंड 33 ये भी स्टेटस सिग्नल है, जो S0 और S1 से होते हैं। S0 और S1 को स्टेबल से समझा जा सकता है, जब ये हमारा ये 00 होता है, ये गलत लिखा है यहाँ पर, जब ये 00 होगा तब हॉल्ट ऑपरेशन होगा, जब 01 होगा तब राइट ऑपरेशन होगा, जब 10 होगा तब रीड ऑपरेशन, और जब 11 होगा तब फेच ऑपरेशन। पिन नंबर 32 पर RD सिग्नल होता है, RD पिन होती है। RD जब हमारी लो सिग्नल होता है, RD लो होता है तब माइक्रो प्रोसेसर रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम IO डिवाइसेस और मेमोरी। मीन्स वन व्हेन RD इज इक्वल टू 0 माइक्रो प्रोसेसर IO या मेमोरी से रीड करता है। पिन नंबर 31 इज WR राइट, अगेन व्हेन इट इज लो इट राइट्स द इंफॉर्मेशन टू IO और मेमोरी, राइट इट राइट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू IO और मेमोरी। नेक्स्ट है 35, पिन नंबर 35 इज रेडी पिन। व्हेन दिस पिन इज हाई इट इज प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, इफ इट इज नॉट देन माइक्रो प्रोसेसर स्टेज अंटिल दिस पिन गोज हाई। मींस व्हेन रेडी इज इक्वल टू 1 माइक्रो प्रोसेसर रेडी हो जाता है इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। पिन नंबर 39 इज होल्ड पिन। ये इस पे जब 1 होता है तब क्या होगा, इट सेंड्स द माइक्रो प्रोसेसर इट इज़ यूज टू इंडिकेट द रिक्वेस्ट सेंड बाय द एक्सटर्नली कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइसेस थ्रू DMA कंट्रोलर्स टू माइक्रो प्रोसेसर विच इज़ रिक्वेस्टिंग द माइक्रो प्रोसेसर फॉर द यूज ऑफ एड्रेस एंड डेटा लाइन्स टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा फ्रॉम एक्सटर्नली। HLDA means hold acknowledge। जब hold request आता है एक hold request आता है तब ये हमारा hold acknowledgement हमारा 1 हो जाता है, जिससे microprocessor hold acknowledge is an output signal which is used by microprocessor which passes an acknowledgement signal, एक acknowledgement signal भेजता है hold को। पिन नंबर 10 इज INTR। दिस इज एन इंटरप्ट सिग्नल एंड द प्रायोरिटी ऑफ दिस अमंग द इंटरप्ट इज लो। इसकी प्रायोरिटी सबसे लो होती है सारे इंटरप्ट्स में। नेक्स्ट इज पिन नंबर 11, दैट इज INTA। व्हेन द इंटरप्ट विल बी ऑब्टेंड INTA विल गो हाई। जब इंटरप्ट सिग्नल मिलता है तब INTA सिग्नल हाई हो जाता है। नेक्स्ट इज पिन नंबर 7 to 9। इसमें 3 पिन है, रीसेट 5.5, रीसेट 6.5 एंड 7.5। दीज पिनस आर रीस्टार्ट मास्केबल इंटरप्ट, इसको वेक्टर इंटरप्ट भी
कहते हैं। पिन नंबर 6 इज ट्रैप। इट इज अनदर टाइप ऑफ इंटरप्ट विच इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड इट इज डज नॉट अलाउ और स्टॉप्ड बाय द प्रोग्राम एंड इट हैज द मैक्सिमम प्रेसिडेंस अमंग ऑल द इंटरप्ट्स। नेक्स्ट है रीसेट इन। रीसेट इन इज यूज टू रीसेट द प्रोग्राम काउंटर टूवर्ड्स जीरो। रीसेट आउट, इट रीसेट आउट द पिन दैट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैज बीन रीअरेंज्ड विद रीसेट इन। पिन नंबर 1 and 2 आर कॉल्ड द जनरेशन फॉर ऑसिलेटर। इट इज यूज्ड टू जनरेट द क्लॉक पल्स फॉर माइक्रोप्रोसेसर। पिन नंबर 37 इज क्लॉक पिन। इट समटाइम्स यूज्ड इन फेवर ऑफ अदर पेरिफेरल्स और अदर डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। पिन नंबर 5 इज सीरियल इनपुट डेटा। पिन नंबर 4 इज सीरियल आउटपुट डेटा। पिन नंबर 20 and 40 इज VSS एंड VCC। VSS इज ग्राउंड पिन वेयर एज VCC इज +5 volt पिन। सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल इनपुट डेटा इंफॉर्मेशन ऑन दिस पिन इज अपलोडेड इनटू द 7th बिट ऑफ एक्यूमुलेटर व्हेन रिम इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म। इन केस ऑफ SOD सीरियल आउटपुट डेटा, दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म व्हेन इंस्ट्रक्शन सिम इज परफॉर्म। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। वी विल डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इन नेक्स्ट लेक्चर। In any case, in any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.